इको कार में सवार होकर नोएडा से अपने घर औरैया के विधुना जा रही छात्रा से मंगलवार की रात यमुना एक्सप्रेसवे से गैंग रेप का मामला प्रकाश में आया है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीन आरोपियों को कुछ ही देर में दबोच लिया। इनमें कार चालक और उसके साथी शामिल हैं। नोएडा से विधुना जा रही छात्र से एतमादपुर क्षेत्र के कुबेरपुर में इको सवार तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि बुधवार तड़के 4 बजे झाड़ियों में ले जाकर आरोपितों ने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। इसके बाद छात्र को टेम्पो में बैठाकर छोड़ दिया। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ा है। मंगलवार रात को घर जाने के लिए युवती निकली थी। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। औरैया के विधुना निवासी युवती नोएडा में मौसी के घर में रहकर कपड़े की फर्म में काम करती थी। मंगलवार रात को अपने घर जाने के लिए वह नोएडा के सेक्टर 37 से इको गाड़ी में बैठी थी। यमुना एक्सप्रेसवे के कुबेरपुर इंटरचेंज पर अन्य सवारियों को उतारने के बाद इको गाड़ी चालक साथ ले गया। दो और साथियों को बुलाकर युवती के साथ घटना को अंजाम दिया। आज सुबह एक महिला ने एतमादपुर थाने पर आके सूचना दी कि कल उसने नोएडा से वो चली थी, एक टैक्सी की थी, जो शेयर टैक्सी थी, इको गाड़ी, और ये लगभग 8:30 बजे सेक्टर 37 से चलना बताया और वहाँ से वो टैक्सी फिरोजाबाद के लिए चली थी। इस महिला का कहना है कि उसमें से तीन जो लड़के थे बाद में उन्होंने इसके साथ यमुना एक्सप्रेसवे पे दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको एतमादपुर के पास छोड़ दिया, जहां से उसको ऑटो करवा के फिरोजाबाद भेजा। महिला ने आके सुबह एतमादपुर थाने पे बताया और उसकी तहरीर पे मुकदमा कायम किया गया है, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और टोल पे जो सीसीटीवीज हैं उससे देख के उस इको गाड़ी को एप्रीहेंड कर लिया गया है और जो उसमें तीन लड़के थे उनको भी तीनों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही, बाकी अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे घटना में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया है, अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर आगरा डॉक्टर पितेंद्र सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तीनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है, बारी बारी से पूछताछ की जा रही है।